हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने वेस्टीज मार्वल्स यूट्यूब चैनल में। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्वानी, बिजनेस काउंसलर, डायमंड डायरेक्टर इन वेस्टीज, एवं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लगातार अपने वीडियोज में आप लोगों से बात करते आए हैं अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में, आई थिंक दैट अब तक के जितने भी हमने प्रोडक्ट अपकमिंग प्रोडक्ट पे बात की वो सभी अब लॉन्च हो चुके हैं लगभग। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और लॉन्चिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही जल्दी, जिसकी लॉन्चिंग डेट भी फिक्स हो चुकी है और जिसकी लॉन्चिंग डेट है 2 जुलाई 2019। और उस प्रोडक्ट का नाम है एश्योर टैनक्लियर फेस पैक। ये बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आने वाला है, 2 जुलाई को सभी सेंटर पर उपलब्ध हो जाएगा। तो चलो आज हम बात करेंगे इस एश्योर टैनक्लियर फेस पैक के बारे में कि इसको यूज करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और इसको कैसे यूज करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो ये जो एश्योर टैनक्लियर फेस पैक है वो जो है 60 ग्राम का पैक है और ये जो नॉर्मल स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन होती है, एक होती नॉर्मल स्किन और एक होती कॉम्पैक्ट स्किन, तो ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए कंपनी लेकर के आई है फेस पैक। और इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं टोमेटो एक्सट्रैक्ट और साथ में है पैशन फ्रूट सीड ऑयल। तो जो टोमेटो एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, टोमेटो एक्सट्रैक्ट जो है हमारे स्किन में नमी को बनाए रखेगा। और सबसे पहले, इससे पहले मैं इन दोनों कंटेंट की यदि बात करें, इन दोनों इंग्रेडिएंट की बात करने से पहले बताना चाहेंगे कि टैनिंग क्या होती है। टैनिंग बेसिकली होती क्या है, जब हमारा जितना भी ओपन एरिया होता है और जब हम सनलाइट में जाते हैं तो सनलाइट में जाने पर क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनकी वजह से जो हमारा ओपन एरिया है वो कहीं ना कहीं स्किन जो है हमारी कहीं डल हो जाएगी या अनइवन स्किन टोन होती है, या फिर स्मॉग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन का अनइवन होना, वो कहलाती है टैनिंग। तो ये जो फेस पैक कंपनी लेकर के आई है ये हमारी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब जो इसमें जो दो इंग्रेडिएंट है, जो टमाटो एक्सट्रैक्ट, वो क्या करेगा, स्किन को ब्राइट करेगा, डलनेस को दूर करेगा और मॉइस्चर को लॉक करने का काम करेगा। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है पैशन फ्रूट ऑयल एक्सट्रैक्ट। जो पैशन फ्रूट ऑयल एक्सट्रैक्ट है वो क्या करेगा कि हमारे इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ए मौजूद होता है। तो विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट, हाई रिच एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे एजिंग की प्रोसेस को ये स्लो करेगा और जो हमारी स्किन में टॉक्सिन्स है इनको रिमूव करने का काम करता है और मॉइस्चर को जो ब्लॉक करेगा, डलनेस को दूर करेगा ये। और साथ में जो इसमें विटामिन ए है, विटामिन ए क्या करता है, जो हमारे स्किन की सेल्स होती हैं उनके रिप्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल करेगा। जब इसके रिप्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो एक हमें इंस्टेंट ग्लो प्रदान करेगा हमारी स्किन को, अनइवन एक स्मूथ टेक्सचर प्रदान करेगा हमारी स्किन को और साथ साथ एकदम जो रेडिएंट ग्लो जिसे बोल सकते हैं, वो रेडिएंट ग्लो हमें हमारी स्किन को ये देने वाला है। और इसके साथ साथ जो पैशन सीड ऑयल है ये एक काम और बेहतरीन तरीके से करता है, हमारी स्किन में कोलेजन मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं वोमिंग कोलेजन। तो वोमिंग कोलेजन को ये जो ऑयल है वो क्या करता है, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रिजर्व करके रखता है, मतलब स्किन के अंदर उस कोलेजन को प्रिजर्व करेगा। जब प्रिजर्व करके रखेगा तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को ये इम्प्रूव करेगा। जब इलास्टिसिटी इम्प्रूव होगी तो हमें एक यूथ ग्लो आएगा और हमें एजिंग की प्रोसेस से दूर रखेगा, हम लंबे समय तक यंग दिखेंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है ये। और यदि हम बात करते हैं एश्योर टैनक्लियर फेस पैक, तो इसकी जो MRP है वो लगभग है, इसकी MRP 265 रुपीज़, और जो इसकी DP प्राइस है वो 225 रुपीज़ है, और जो इस पर PV मिलने वाले हैं वो 7.5 PV हमें प्रोवाइड कराएंगे। और अब चलो जानते हैं इसको कैसे यूज करना है, यूज करने का सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हमें कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, ऐसा नहीं, और यदि बहुत अच्छा होगा यदि हम इसे नहाने के बाद इस
फेस पैक को यूज करें। जनरली क्या होता है कि हम लोग नहाने से पहले फेस पैक यूज करते हैं, बट लेकिन ये गलत तरीका है। फेस पैक को हमेशा नहाने के बाद यूज करना चाहिए। उसका उसके पीछे रीजन ये है कि हमारी स्किन में पोर्स, जब हम नहाते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब ये पोर्स ओपन होंगे तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से स्किन पे वर्क करेंगे। अब जब अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारी स्किन और अच्छे से हेल्दी रहेगी और ग्लो अच्छा आएगा। अब बताते हैं कि इस फेस पैक को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका है कि हमें अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद में अपर डायरेक्शन में इसको मसाज करते हुए अपर डायरेक्शन में इसको लेके जाना है और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद में इसे नॉर्मल वाटर से धो देना है। इसको ड्राई नहीं रखना है। यदि हमने ड्राई कर देंगे तो हमें रिंकल्स आ सकते हैं, तो इसको नम में ही इसको वॉश करना है और नॉर्मल वाटर से इसको साफ करना है। इसके बाद धोने के बाद में हमें क्लिंजर एंड टोनर का यूज कर लेना है। तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। इन सब सावधानियों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हमें नेचुरली एक हेल्दी और इंस्टेंट ग्लो हमें जरूर ये फेस पैक देने वाला है। होप सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएंगी। तो थैंक यू, विश यू वेल।